327 ईसा पूर्व में सम्राट सिकंदर ने ईरान के सम्राट डेरियस द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। ईरान के सम्राट ने सिंधु देश के जाट राजा सिंधुसेन से सहायता मांगी। राजा सिंधुसेन ने अपने तीर कमान और बर्छे धारण करने वाले सैनिकों को दारा की सहायता के लिए भेजा। अरबेला के स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर का साथी यूनानी इतिहासज्ञ एरियन लिखता है कि सिकंदर की सेना के दहिया आदि जाटों तथा दारा के सेना के सिंधु जाटों का आपस में क्रूर युद्ध हुआ। हेरोडोट्स लिखता है कि सिकंदर की सेना के जिस भाग पर जाट लोग झुक जाते थे वही भाग कमजोर पड़ जाता था। सिंधु योद्धा रथों में बैठकर लड़ते थे। वे अपनी कमान को पैर के अंगूठे से दबाकर कान के बराबर तानकर तीर छोड़ते थे। सिकंदर को स्वयं इनके मुकाबले के लिए सामने आना पड़ता था। इस सेना में 25 हाथी और 200 रथ भी थे। प्रत्येक जाट ने वह पराक्रम दिखलाया कि मानो वह जीत की पक्की अभिलाषा रखता है, किंतु अरबेला के इस युद्ध में दारा मारा गया तथा सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर ने ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस को तहस नहस कर दिया। ईरान को जीतकर सिकंदर ने भारत की ओर प्रस्थान किया। 326 ईसा पूर्व में वह काबुल की घाटी में पहुंचा और यहीं से उसने भारत विजय की योजना बनाई। उस समय सिंध नदी के पश्चिम में तथा पंजाब व सिंध प्रांतों में जाटों के अनेक छोटे छोटे प्रजातंत्र राज्य थे, जिनमें अधिक शक्तिशाली जाट राजा पुरस था। इन सब राज्यों का आपस में कोई संगठन न था तथा वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। उस समय बलूचिस्तान प्रांत का शासक जाट राजा चित्र वर्मा था, जिसकी राजधानी कलात थी। हिंदू कुश से सिंध नदी तक पहुँचने में सिकंदर को 10 महीने लगे थे, किंतु सिंध से व्यास नदी तक उसको 19 महीने लग गए। इसका कारण साफ है कि सिकंदर को पग पग पर भिन्न भिन्न जाट वंशों तथा अन्य भारतीय जातियों से लोहा लेना पड़ा। सिकंदर के साथी इतिहासज्ञ एरियन ने लिखा है कि सिकंदर को यह निश्चय हो गया था कि इस समय जाट जाति के लोग सबसे बढ़कर शूरवीर योद्धा है। अफगानिस्तान में गांधार प्रांत, जिसकी राजधानी पुष्कलावती थी, के जाटों से तथा शक जाटों से सिकंदर का युद्ध हुआ। इसी तरह कई अन्य स्वतंत्र कबीलों से उसे भिड़ना पड़ा। इनमें से एक संगा जाट वंशज गण था। इस संगा जाट गण को मेगस्थनीज ने सिंगाई लिखा है। इस गण का प्रजातंत्र राज्य था, जिसमें कोई राजा नहीं होता था। इनका निवास व अधिकार भारतवर्ष की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहाड़ी क्षेत्रों पर था। इन्होंने सिकंदर से टक्कर ली थी। भंगू जाटों का सीस्थान पर प्रजातंत्र शासन था। इन्होंने भी सिकंदर से टक्कर ली थी। पाणिनि ने इनका नाम भगाला लिखा है तथा यूनानियों ने फैगेला लिखा है। असी असियाक वीर जाटों ने सिकंदर से भयंकर युद्ध किया था। इसका वर्णन द एज ऑफ नंदाज एंड मौर्याज नामक पुस्तक में किया गया है। इन जाटों ने सिकंदर को घायल कर दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।